सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो सो द हीट अच्छा ये जो चैप्टर का नाम है हीट ये जो वर्ड है ना ये बहुत कॉमन है हम सब के लिए ये हर बच्चे सुने तो होंगे हीट करके ओके okay, बहुत ज़्यादा हीट है बहुत ज़्यादा हीट आ रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा लाइक दैट अच्छा नॉर्मली क्या होता है अगर मैं देखो मैं डायरेक्टली ना डेफिनेशन में नहीं जाऊंगी अगर हम लोग बात करें कोई भी गर्म और कोई भी ठंडा चीज़ का एग्जाम्पल आप लोग ले लो कि आप लोगों के पास दो चीज है ओके जैसे कि जैसे कि ये आप लोगों के पास एक कप है ऑफ टी बहुत ही गर्म चाय से प्रेजेंट है एंड सेकेंड आप लोगों के पास आइस है ओके ये हो गया टी ये हो गया आइस ये दो चीज है अगर मैं ये दो चीज का बात करूं अगर आप लोग इसको छोगे तो आप लोग क्या बोलोगे ये हॉट है कि कोल्ड है ऑब्वियसली गर्म को हम लोग क्या बोलते हैं हॉट आइस होता है ठंडा तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं द वर्ड कोल्ड इसको छुएंगे तो हम लोग बोलेंगे अरे ये तो टी बहुत हॉट है आइस के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कोल्ड तो ये जो हॉट और कोल्ड वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं ना ये हम लोग ये बताने के लिए यूज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के पास कितना एनर्जी है अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत गर्म है तो उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है अगर एक ऑब्जेक्ट आप लोगों को ठंडा लग रहा है तो उसके पास एनर्जी बहुत कम है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है अगर एक ऑब्जेक्ट हॉट है अगर एक ऑब्जेक्ट गर्म है तो उसके पास जो एनर्जी है मेनली हीट एनर्जी हीट वो ज़्यादा है अगर एक ऑब्जेक्ट कोल्ड है अगर वो ठंडा लग रहा है तो उसके पास जो एनर्जी है ना वो कम है उसी एनर्जी को तो हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी या फिर हीट सो so आप लोग ये चीज़ को आप लोग याद रखोगे सो हीट मेनली क्या होता है ना इट इज़ द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इसका डेफिनेशन है इट इज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इफ हम लोग हॉट एंड कोल्ड बॉडी को कंपेयर करते हैं उनके हीट को कि हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी में हीट किसके पास ज्यादा होता है तो हॉट बॉडी के पास ऑब्वियसली हीट ज़्यादा होगा एंड कोल्ड बॉडी के पास हीट कम होगा दिस वन इज इम्पॉर्टेंट नाव वही चीज़ को देखो मैं यहाँ भी लिखी हूँ एन ऑब्जेक्ट पॉजिंग मोर हीट एनर्जी एक ऑब्जेक्ट जिसके पास ज़्यादा हीट एनर्जी है इससे टू बी हॉटर यस, अगर दो ऑब्जेक्ट है अगेन देखो इसी को ले लो आप लोग यहाँ पर आप लोग टी को ले लो एंड आइस को ले लो इनमें से अगर ये हॉट है ऑब्वियसली यही हॉट होगा ओके okay, टी हॉट होगा तो इसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा है किसके कम्पेरिजन इसके कम्पेरिजन अभी अगर आप लोग कोई भी हॉट बॉडी को टच करते हो अगर ये चाय को हम लोग अगर लाइक टच करेंगे ये कप को हम लोग टच करेंगे तो हम लोग को क्या लगेगा ऑब्वियसली गर्म लगेगा हम लोगों को हम लोगों को हॉट लगेगा और अगर हम लोग ये ठंडा ऑब्जेक्ट को कोल्ड ऑब्जेक्ट दैट इज यहाँ पर आइस है या फिर आप लोग आइसक्रीम ले लो अगर आप लोग उसको पकड़ते हो तो कैसा लगता है ठंडा लगता है ओके सो नॉर्मली देखो होता क्या है अगर हम लोग टच कर रहे हैं कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे कि यहाँ पर मैं एक कप बना दी हूं ये हॉट ऑब्जेक्ट है अगर ये हॉट ऑब्जेक्ट है तो इसके पास हीट एनर्जी कैसा होगा ज्यादा की कम सली हाई होगा थोड़ा देर पहले मैं बताई हूं अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉट होता है तो उसके पास बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रहता है ओके okay. अभी आप लोग इस ऑब्जेक्ट को ऐसे टच कर रहे हो अभी हम लोग को कंपेयर करना है हम लोगों के बॉडी और ये कप का हीट एनर्जी में इसके पास हीट एनर्जी ज्यादा है हमारे पास हीट एनर्जी कम है जब हम इसको टच करेंगे तो हम लोग को गर्म लगेगा हम लोग को क्या लगेगा हॉट गर्म लगेगा ऐसा क्यों होता है क्योंकि हीट एनर्जी इस ऑब्जेक्ट से हमारी बॉडी में फ्लो करता है कहीं पर भी अगर हीट एनर्जी ज्यादा होता है तो वो फ्लो करता है उस तरफ जहां पर हीट एनर्जी कम होता है एग्जाम्पल अगर मैं वाटर को ली देखो अगर मेरे पास यहाँ पर एक ट्यूब है और मैं उसमें पानी भरती हूँ और यहाँ पर एक दूसरा ट्यूब है ओके okay. इसमें ज़्यादा पानी है देखो ये चीज़ देख के ना आप लोग पक्का से समझ जाओगे और इसमें कम पानी है मैं दोनों को कनेक्ट कर दी यहाँ से तो पानी किधर से किधर जाएगा ऑब्वियसली पानी यहाँ से इस तरफ से इस डायरेक्शन में वो जाएगा जहाँ पानी ज़्यादा रहता है वो हाई लेवल से लो की तरफ जाता है वैसे ही हीट एनर्जी भी होता है हीट एनर्जी हमेशा हाई की तरफ से हमेशा वो लो की तरफ जाता है इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पर लिखी हूं हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर वेन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट अगर दो बॉडी है एग्जाम्पल एग्जाम्पल वेट अगर दो बॉडी है ये एक बॉडी हो गया ये हो गया दूसरा बॉडी अभी सोच लो ये बॉडी और ये बॉडी का टेम्परेचर इसका सोच लो थर्टी डिग्री है इसका सोच लो फिफ्टीन डिग्री है दोनों में से कौन तो ज़्यादा गर्म होगा जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है ये ज़्यादा गर्म होगा अगर ये ज़्यादा गर्म है, तो है, है।, है तो इसके पास हीट एनर्जी भी ज़्यादा होगा अगर मैं दोनों को कांटेक्ट में ला दूंगी दोनों को कोई भी चीज़ से जोड़ दूंगी तो पता है हीट एनर्जी किधर से किधर फ्लो करेगा जिसके पास ज़्यादा हीट एनर्जी है इसके पास ज़्यादा हीट एनर्जी है तो यहां से वो फ्लो करेगा इस बॉडी के तरफ तो ये होता है ठीक है सो जब हम लोग कोई हॉट बॉडी को टच करते हैं तो हॉट बॉडी के पास ज़्यादा हीट है हमारे पास कम हीट है तो एनर्जी फ्लो करेगा वो गर्म वाली ऑब्जेक्ट से हमारे बॉडी के अंदर इसीलिए हम लोग को गर्म लगता है आप लोग ये चीज़ को पक्का आप समझ गए होंगे अगर हम लोग कोई भी गर्म चीज़ को छूते हैं तो गर्म लगता है ना हम लोग को ऑब्वियसली लगेगा क्यों गर्म लगेगा क्योंकि वो बॉडी से हीट एनर्जी हमारे बॉडी में आ जाता है तो ये चीज़ होता है जब वी टच वैन वी टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट वैसे ही इफ़ वी विल टच एनी एनी कोल्ड ऑब्जेक्ट अगर हम लोग कोई भी ठंडा चीज को पकड़ते हैं जैसे कि आइस को ले लो ये रहा आइस आइस ठंडा है अच्छा ठंडा ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें एनर्जी रहेगा हीट एनर्जी लेकिन कम रहेगा इसलिए मैं यहाँ पर लिख दी हूँ कि दिस बॉडी हैज़ लेस एनर्जी अगेन इसको भी हम लोग छू रहे हैं बर्फ को तो बर्फ़ को छूते हैं तो ठंडा लगता है कि गर्म लगता है ऑब्वियसली बर्फ को छूने से वी फील कोल्ड इसका भी रीज़न है अभी कंपेयर करते हैं हमारे बॉडी का और इस बर्फ का हीट एनर्जी बर्फ़ में हीट एनर्जी बहुत कम है इसलिए तो इतना ठंडा है हमारे बॉडी में हीट एनर्जी भी है हमारे बॉडी में भी है देखो हीट एनर्जी लेकिन ज़्यादा ठंडा ये है हमारे बॉडी में हीट एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है तो जब हम इसको टच करते हैं तो हमारे बॉडी से हीट एनर्जी जाता है आइस की तरफ इसीलिए हम लोगों को ठंडा लगता है तो देखो मैं यहाँ पर डायरेक्शन बना दी हूँ फ्लो ऑफ एनर्जी का ओके सो वेन वी टच एनी कोल्ड ऑब्जेक्ट हम लोगों को लगता है ठंडा व्हेन वी टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट वी विल फील हॉट उसका रीजन भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ बट अगर हम लोगों के पास दो बॉडी है दो बॉडी और दोनों बॉडी के पास सेम हीट एनर्जी है सेम उनका टेम्परेचर भी सेम है सेम हीट एनर्जी है तो वहां पर वो लोग अपना एक दूसरे को हीट नहीं देंगे मतलब वहां पर हीट एक्सचेंज नहीं होगा क्यों होगा दोनों के पास तो सेम है अगर दोनों के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता तो ज़्यादा की तरफ से हीट एनर्जी जाता जहां पर कम हीट एनर्जी है लेकिन जब कोई दो बॉडी के पास सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रहता है तो वहां पर एक्सचेंज होता नहीं है हीट एनर्जी बिल्कुल एक्सचेंज नहीं होगा ना यूनिट्स ऑफ हीट हीट एनर्जी का भी यूनिट होता है ऑब्वियसली होगा देखो देर आर मेनली मेनली बोलोगे तो अगर मैं एसआई यूनिट ऑफ हीट का बात करूंगी एसआई SI यूनिट तो आप लोगों को पता है एकदम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट होता है जिसको हम लोग जूल बोलेंगे जो नॉर्मली ऐसा यूनिट होता है ना हीट का दैट इज जूल जिसको जब नाम लिखते हैं तो स्मॉल जे लिखते हैं एंड तो सिंबल देंगे तो कैपिटल जे जूल के साथ साथ इसके और दो यूनिट्स होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एस कैलोरीज एंड किलो कैलरी एक होता है कैलरी एक होता है किलो कैलरी अभी जो कैलरी होता है ना वो थोड़ा स्मॉल यूनिट है और नॉर्मली आजकल तो थोड़ा सा ज़्यादा ही यूनिट रहता है तो इसलिए हम लोग उसको किलो कैलरी के हिसाब से बोलते हैं नॉन लेस कैलरी एंड किलो कैलरी है क्या देखो अगर आप लोग सोच लो कि यू हैव वन ग्राम ऑफ वाटर ठीक है जैसे कि यहाँ पर आप लोगों के पास पानी है ओके वन ग्राम है वाटर का कितना है एक ग्राम पानी है एंड लेट द टेम्परेचर ऑफ वाटर बी ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस इस मैं नॉर्मली कंसिडर की हूँ ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर कितना है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पानी कितना लिए हैं हम लोग वन ग्राम हम लोग को क्या करना है ना यहाँ से मैं इसको हीट दे रही हूँ गर्म कर रही हूँ पानी को मुझे इस वाटर का टेम्परेचर को एक डिग्री ऊपर लेके जाना है मतलब एक डिग्री बढ़ाना है अगर पहले ट्वेंटी फाइव है तो मुझे इसका टेम्परेचर कितना करना है ट्वेंटी सिक्स डिग्री सेल्सियस तो ये अगर मुझे इसका टेम्परेचर को बढ़ाना है तो मैं इसको गर्म करूंगी ना ऑब्वियसली इसको हीट करना पड़ेगा तो आप लोग इसको हीट करोगे और यहाँ पर ना थर्मोमीटर का भी सेटिंग रहता है थर्मोमीटर डाल के हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी सिक्स पहुँचा कि नहीं ये हम लोग देख सकते हैं ठीक है सो यहाँ पर वन ग्राम ऑफ वाटर लेके उसको हम लोग को हीट करना है उसका टेम्परेचर खाली एक डिग्री बढ़ाने के लिए तो आप लोग जो इसका टेम्परेचर को एक डिग्री बढ़ाओगे तो उसको हीट कर रहे हो तो कितना वहाँ पर आप लोग इसको हीट एनर्जी दे रहे हो उसी को बोलते हैं वन कैलरी उसी को बोलते हैं हम लोग वन कैलरी जैसे वन कैलरी होता है वैसे मैं आप लोगों को बोली हूँ किलो कैलरी भी होता है जब किलो कैलरी का बात आएगा तो एक ग्राम की जगह में हम लोग एक के जी वाटर यूज़ करेंगे किलो कैलरी में वन के जी वाटर को हीट करेंगे ताकि उसका टेम्परेचर को हम लोग एक डिग्री ऊपर बढ़ा सके तो वहाँ पर कितना हीट एनर्जी हम लोग डालेंगे उसी को बोलेंगे किलो कैलरी सो so यहाँ पर देखो उसका डेफ़िनेशन पहला कैलरी है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज मतलब इम्प्रूव करना इंक्रीज करना द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ वाटर बाय वन डिग्री सेल्सियस उसको तो बोलेंगे कैलरी और वैसे ही होता है किलो कैलरी सो so, किलो कैलरी मीन्स अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ़ वन के जी ऑफ वाटर सेम है खाली वन ग्राम की जगह वन के जी लगा देंगे तो so, वो बन जाएगा किलो कैलरी नाउ ये जो किलो कैलरी एंड कैलरी है वो इस तरह से रिलेटेड है पहला है वन किलो कैलोरी वो हो जाता है वन थाउजेंड कैलरी जैसे कि वन के जी थाउजेंड ग्राम होता है ना वैसे ही द स्कीप दिस इन योर माइंड वन किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू तो वन थाउजेंड कैलरी अगर मैं अभी बात करूं क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना कि जो ऐसा ही यूनिट होता है हीट का वो मेनली होता है जूल तो ये कैलोरी एंड जूल कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से तो वो ऐसे रिलेटेड है वन कैलरी इज इक्वल टू फोर पॉइंट टू जूल भोजन की बुक में फोर पॉइंट वन एट सिक्स इस टाइप से कुछ कुछ वैल्यूज लिखे हुए हैं उसको आप लोग ये भी लिख दोगे तो वो मिस्टेक नहीं होगा सो so, ये जो दो चीज़ें हैं ना दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा हीट का तो लाइक like डेफिनेशन और जो उसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट था यूनिट था वो तो हम लोग कंप्लीट कर लिए अभी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हीट हम लोगों को हीट एनर्जी कहाँ से मिलता है तो बेस्ट एग्जांपल हम लोगों को सन देता है हीट एनर्जी यस फिर इलेक्ट्रिसिटी से भी मिलता है और फायर से भी मिलता है आगे से तो सन को अगर मैं बात करूँ सन का तो सन तो हम लोग का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हम सबको क्या देता है वो हम सबको एनर्जी देता है इलेक्ट्रिसिटी से भी हम लोगों को एनर्जी मिलता है एंड बात अगर करें हम लोग कैसे हम लोग को मिलता है तो आप लोग देखो हम लोग जो यूज करते हैं इंडक्शन प्लेट हम लोग को पता है ना इंडक्शन तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है वो जो हीट प्रोड्यूस करता है उससे हम लोग फूड बनाते हैं उसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं ओके okay. नाउ थोड़ा बात करते हैं अबाउट सम सब्सटेंस जो कि बहुत जल्दी या फिर बिल्कुल भी आगे नहीं पकड़ते हैं बट उससे पहले लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट फायर फायर का मतलब तो हम लोग को पता है जो कि नॉर्मली हम लोग को हीट एनर्जी देता है ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं आप लोग माइंड करें होंगे। अगर मैं यही पेपर का बात करूं, अगर मैं इसको ही मींस आगे पकड़ाऊंगी जलाऊंगी इफ आई विल ट्राई टू बर्न इट तो ये आराम से चलेगा ये आगे पकड़ लेगा एंड इट विल गिव अस एंड एनर्जी यस अनु। बट ऐसे भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो कि लाइक like, फायर कैच नहीं करते हैं सो so, उसी को ध्यान पर रखते हुए देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस सब्सटेंस लोगों को दो टाइप में डिवाइड किया गया है एक है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस और दूसरा होता है नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंस जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है दीज आर दैट सब्सटेंस जो कि बहुत ही ईजिली फायर को कैच कर लेते हैं जो बहुत जल्दी आगे पकड़ते हैं तो उसका एक रीज़न होता है जितने भी इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस हैं ना उनके पास एक ऐसा पावर है कि वो लोग बहुत ही मतलब थोड़ा सा आगे दो दोगे ना तो वो लोग बहुत जल्दी आगे पकड़ लेंगे आप लोग माइंड किए होंगे कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे ऐसे होते हैं जो टाइम लगाते हैं फायर कैच करने के लिए बर्न होने के लिए बट कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी फायर कैच या बर्न हो जाते हैं सो दीज आर दी सब्सटेंस दैट कैच फायर वेरी इजीली एंड इस टाइप के सब्सटेंस के पास एक इग्निशन टेम्परेचर होता है बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर होता है अब ये इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है सी इग्निशन टेम्परेचर मीन्स इट इज द मिनिमम टेम्परेचर कम से कम टेम्परेचर जिसमें एक सब्सटेंस फट से आगे पकड़ के फट से जलने लग जाएगा एग्जाम्पल का अगर मैं बात करूँ जैसे कि पेट्रोल देखना तो पेट्रोल को जैसे आगे के फट से बागी पकड़ लेता है क्यों वैसा होता है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है तो इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम कम से कम टेम्परेचर जिसमें एक सब्सटेंस आगे पकड़ता है तो जो सब्सटेंस बहुत ही जल्दी आगे पकड़ते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है जैसे कि पेट्रोल ले लो अल्कोहल ले लो एल गैस जो हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोजन गैस यस ये जो हाइड्रोजन गैस है ना ये बहुत ज़्यादा कम्बस्टिबल है ये बहुत जल्दी आगे पकड़ता है किरोसिन प्लास्टिक वैक्स सूखे पत्ते सूखे वुड ड्राई क्लॉथ ये सब जितने भी सब्सटेंस का यहाँ पर नाम है वो लोग बहुत ही इजीली आगे पकड़ लेते हैं दे बर्न वेरी इजीली और इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है तो एक हो गया इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो बहुत जल्दी आगे पकड़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंस नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंस मेनली उसका ऑपोजिट है ये सब्सटेंस लोग जल्दी से आगे नहीं पकड़ेंगे दीज आर द सब्सटेंस दैट डू नॉट कैच फायर इजीली एग्जाम्पल्स में आप लोग ले लो मेटल स्टोन ब्रिक वाटर और आप लोग जो भी हैं एग्जाम्पल्स को लगाना चाहो आप लोग लगा सकते हो याद रखना वही एग्जाम्पल्स लगाना वही सब्सटेंस का जो कि जल्दी से हीट या जल्दी से वो लोग फायर कैच नहीं करते हैं तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम लोग इतना ही पढ़ते हैं यह है फर्स्ट पार्ट इसका बहुत जल्दी इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ हीट हीट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं जिससे लाइक वो जो एक ऑब्जेक्ट का वो टेम्परेचर बदल पाता है उसका साइज बदल देता है उसका स्टेट बदल देता है तो उससे रिलेटेड हम लोग बहुत जल्दी पढ़ेंगे टिल देन स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आई वो ट्राई टू क्लियर योर डाउट एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा थैंक यू सर